कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, इन सभी चीज़ों को इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन का दो टॉपिक है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है टीसीपी का, टीसीपी इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये डेटा सेंड और रिसीव करने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद ये डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग का काम स्टार्ट करता है, ठीक है। यूडीपी क्या होता है, यूडीपी मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है मतलब ये कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है सेंडर और रिसीवर के बीच, डायरेक्ट आईपी सर्विस यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, और कोई अगर पूछेगा तो इसका मतलब भी आपको बताना होगा, टीसीपी इज़ रिलायबल प्रोटोकॉल। टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है यानी भरोसेमंद प्रोटोकॉल है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद डेटा को सेंड और रिसीव करता है, तो इसकी पूरी गारंटी होती है कि ये जिसको भी डेटा भेज रहा है उसके पास डेटा सक्सेसफुली पहुंच जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ डेटा उसी ऑर्डर में उसके पास रिसीव होगा जिस ऑर्डर में हम डेटा को यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी सिक्वेंस ऑर्डर में डेटा ट्रांसफ़र होगा रिसीवर के पास, और साथ ही साथ इसकी पूरी गारंटी है कि रिसीवर को डेटा रिसीव होगा, ठीक है। इसीलिए ये हो गया रिलायबल। यूडीपी क्या हुआ, इट इज़ नॉट रिलायबल। ये रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ये कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं करता, और कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि डेटा रिसीवर को रिसीव होगा, और साथ ही साथ सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिसीव होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए ये नॉट रिलायबल प्रोटोकॉल। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ स्लोअर देन यूडीपी। हमारा जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है वो यूडीपी प्रोटोकॉल के मुकाबले काफ़ी स्लो होता है, क्यों, क्योंकि इसका यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस में भी यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी, तो लॉन्ग डिस्टेंस में जब यूज़ होता है तो यूडीपी के मुकाबले इसका स्पीड थोड़ा कम होता है। यूडीपी इज़ फास्टर देन टीसीपी। यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा को ट्रैवल करने के लिए, सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो काफ़ी कम डिस्टेंस हो तब हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, द हेडर साइज ऑफ टीसीपी इज़ 20 बाइट्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा आता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल का हेडर साइज कितना होता है, 20 बाइट्स आपको बोलना है, ठीक है। टीसीपी का यहाँ पे 20 बाइट, यूडीपी हेडर साइज इज़ 8 बाइट्स। यूडीपी का जो हेडर साइज है वो 8 बाइट्स होता है और टीसीपी का 20 बाइट्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज़ पॉसिबल। मान लो हमने कोई भी डेटा भेजा, सबसे पहले तो वो पैकेट के फॉर्म में आता है, उसके बाद वो रिसीवर को रिसीव होता है। तो अगर मान लो हम डेटा सेंड कर दिया, रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ, तो हम फिर से डेटा को भेज सकते हैं, रीट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है। सेम डेटा फिर से हम भेज सकते हैं, और इसमें यूडीपी में ये पॉसिबल नहीं है, हमने भेजा नहीं पहुँचा तो फिर नहीं पहुंचा, जबकि इसमें हमने भेजा आधा दूर तक गया, उसके बाद अटक गया, तो फिर हम वहीं से स्टार्ट करके रीट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड HTTPS, HTTP, SMTP, FTP प्रोटोकॉल्स। ये जो TCP प्रोटोकॉल होता है ना वो एकदम बेसिक प्रोटोकॉल होता है सभी प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन वही इस्टेब्लिश करता है, फिर चाहे हम इन सभी प्रोटोकॉल को काहे ना यूज़ करें। तो TCP प्रोटोकॉल के साथ इन सभी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। आप कह सकते हैं TCP प्रोटोकॉल इन सभी का यूज़ करता है अलग अलग काम को करने के लिए। और UDP क्या करता है, इट यूज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, DNS एक्सेट्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और DNS वगैरह में UDP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन TCP और UDP प्रोटोकॉल। यहाँ पे DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है।
तो अगर आपको डिफरेंस समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से नेटवर्किंग का सारे वीडियो को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको नेटवर्किंग का बेसिक टू एडवांस वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा।